चौथी बार पाकिस्तान के पीएम बनेंगे नवाज शरीफ। आखिर भाई के लिए क्या करने वाले हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में नवाज शरीफ को पनामा पेपर मामले में अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद उन्हें किसी भी पार्टी में शामिल होने से रोक दिया गया था। शहबाज शरीफ को पार्टी की सेंट्रल जनरल काउंसिल की बैठक के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इसी दौरान उन्होंने पीएमएल सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने का आग्रह किया। इनसे पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व करने और चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की अपील की गई है। पीएमएल पार्टी की सेंट्रल जनरल काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि वे अपने बड़े भाई का इंतजार कर रहे हैं। नवाज शरीफ अस्वस्थ खराब होने की वजह से साल 2019 नवंबर से लंदन में रह रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर फिर से चौथी बार पीएम बनने की आग्रह किया है, क्योंकि पाकिस्तान को एक नए चेहरे की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पार्टी की बैठक करने के पीछे की वजह चुनाव आयोग को बताया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर चुनाव आयोग की टांगती तलवार है। इसके अलावा मैं बैठक में नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ की भी सराहना की गई है। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने पर आप देखेंगे कि राजनीति का एक नक्शा बदल जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पीएमएल के सुप्रीमो रह चुके हैं, वह 3 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में नवाज शरीफ को पनामा पेपर मामले में अयोग्य घोषित कर दिया था, इसके बाद उन्हें किसी भी पार्टी में शामिल होने से रोक दिया गया था। वहीं शहबाज शरीफ ने पार्टी मीटिंग में कार्यकर्ताओं को याद दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार ऐसे समय में सत्ता में आई थी जब उन्हें गुलाब नहीं कांटे मिले थे, महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी थी।